हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इस वीडियोस में फीचर्स के कुछ कमांड बचे रह गए थे, डेट इज कर्व पार्ट हमारा बच गया था। ठीक है, तो कर्व पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ बनाता हूँ, जैसे मैं वहाँ पे बना के बताऊँगा, शायद आपको ये अच्छा लगे। ठीक है, मैं जैसे ये बना रहा हूँ। ठीक है, एक सर्कल बनाया मैं यहाँ पे, और प्लेन लेना चाहता। ठीक है, तो रेफरेंस प्लेन आइए, फीचर्स में जाइए। सबसे पहले रेफरेंस प्लेन लेने के लिए कोई प्लेन यहाँ चूज़ कीजिए। मैंने टॉप प्लेन चूज़ किया, अब हम रेफरेंस प्लेन लेंगे तो उसके रेफरेंस में वो जाएगा। पहले एग्जिट हो जाइए कमांड से। सबसे टॉप लिया मैंने, रेफरेंस प्लेन ऑप्शन आ रहा है। अब देखो ये ठीक है, तो मैं चाहता हूँ और ठीक है ना, ये हो गया एक रेफरेंस प्लेन। अब हम चाहते हैं कि इस पर और रेफरेंस प्लेन लगे, कुछ ऐसा। ठीक है, ओके। अब इस रेफरेंस प्लेन पे, ठीक है, ध्यान देना, हम इस रेफरेंस प्लेन पे अब एक और स्केच करेंगे। तो मैं एक्चुअली, मुझे अब कमांड सिखाना है, तो मैं तो बस आपको ऐसे ही ये बता रहा हूँ ताकि आपको ये, क्योंकि कमांड तो ठीक है, कमांड तो आप कहीं से भी सीख जाओगे, बट कमांड का यूज़ कहाँ करना है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्जिट कमांड हो जाइए पहले, इन दिस। अब इससे के बराबर ही मैं इसे सब छोटा रखूंगा, एग्जिट कमांड। और हमारी लास्ट है इस पे, अब हम करेंगे एक छोटा स्केच। ठीक है, एग्जिट कमांड। अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखना, अब मैं करने वाला हूँ लॉफ्टेड दिस दिस। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या हुआ लॉफ्टेड में? देखो ये स्केच है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट वो ले लिया, तो स्केच हटो पहले, कहीं और क्लिक करो। लॉफ्ट कमांड, ये हुआ ये हुआ ये हुआ एंड दिस। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। आप इसको ट्विस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा ट्विस्ट भी कर लो। ये ठीक है, ओके। अब मैं इस पे करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं जो प्लेन लिया था, ठीक है, इस प्लेन की दूरी थोड़ा बढ़ा दूँ। एडिट करता हूँ इस प्लेन को, और इस प्लेन को थोड़ा बढ़ाता हूँ, इतना चेंज हुआ। सेम टू सेम इस प्लेन को भी एडिट कीजिए, इसको ही बढ़ा दीजिए थोड़ा। अच्छा, लॉफ्ट गलत हो गया, कंट्रोल जेड। ओके, नाउ प्लेन वन, प्लेन टू, प्लेन थ्री। ठीक है, प्लेन थ्री को थोड़ा बढ़ाते हैं पहले, प्लेन थ्री जो है उसे बढ़ाते हैं। ओके, नाउ प्लेन टू को आप चेंज करेंगे। ठीक है, प्लेन टू को थोड़ा नीचे करते हैं और लॉफ्ट में जाएंगे, लॉफ्ट को थोड़ा एडिट करेंगे। ठीक है, इसे मैं थोड़ा ट्विस्ट चाहता हूँ, ऐसा कुछ। इसे कीजिए हाइट, रेडी है। अब आप इसमें एक और कमांड यूज कर सकते हो, सेल आओ, फेस को क्लिक करो। ओके, देखो शेल हो गया। क्रॉस सेक्शन देखना है आपको तो वो भी देख सकते हो, ये देखो अंदर से पूरा शेल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। हम पीछे, काफी पीछे आ गए हैं। ठीक है, प्लेन टू, लॉफ्ट को थोड़ा सा एडिट, क्योंकि हम पीछे आ गए थे। ठीक नाउ शेल। ठीक है, अब देखो, अब मैं चाहता हूँ इस पे स्टेयर टाइप का कुछ लगा हो। तो हम, अब देखो, अब यहाँ पे इस दो कम स्प्लिट लाइन भी है और इतने सारे कर्व के कमांड हैं। स्प्लिट लाइन कमांड कैसे काम करेगा और हेलिक्स कमांड, ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा।
क्योंकि सॉलिड में जरूरत पड़ता है, सरफेसिंग में भी जरूरत पड़ता है, बाकी सारे कमांड्स हमारे लगभग ये सारे कमांड जो कर्व के हैं सब सरफेस, जब फन से पार्ट हम आएंगे सॉलिड वर्क के उसमें सीखेंगे, बट ये फीचर्स का कमांड है तो हम यहाँ पे जान लेते हैं। स्प्लिट टाइम कमांड के लिए फॉर एग्जाम्पल जब कार वार बनाओगे आप तब वहाँ पे ये सब बहुत जरूरी, जैसे ये एक प्लेन लिया, इससे हम एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं थोड़ा दूर, ठीक है ये रेफरेंस प्लेन आ गया, कहीं भी ले लो, इस रेफरेंस प्लेन पे हम करने वाले हैं स्केच, ठीक। इस रेफरेंस प्लेन पे हम चाहते हैं कुछ ऐसा बना हो, कोई डिज़ाइन हो, फॉर एग्जाम्पल मैं हेलिक्स का कोई डिज़ाइन बनाता हूँ, ठीक है ये बनाया, अब ये चीज़ चाहता हूँ ये चीज़ हमारा इस पे आए, ठीक है। तो इसके लिए तो आप एक और कमांड रैप कमांड भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, बट रैप कमांड यूज़ करो तो सिंपली जो आप ड्राइंग किए वो उस पे छप जाएगा, बट हमारा जो ये कर्व है स्प्लिट कर्व नाम से ही लग रहा है, क्या करेगा, करेंट डायग्राम इसे चूज कीजिए स्केच में, इस पे आके फेस सेलेक्ट कीजिए, अब देखना क्या होगा, इसे कर दीजिए हाइड, देखो छप गया। अब देखो कि ध्यान से ये बॉडी अलग हो गया और हमारा जो ये बॉडी अलग, दोनों बॉडी को अलग अलग पार्ट में बांट दिया, ये होता है स्प्लिट का कमांड, ठीक है। तो ऐसे ये देखो ये बॉडी और ये अलग हो गया, ठीक है। चलिए तो हमने आई थिंक स्प्लिट लाइन कमांड आपने सीख गया, अब हेलिक्स कर्व सीखते हैं। हेलिक्स और स्पाइरल ऐसा कुछ बनाने के लिए, स्प्रिंग टाइप का बनाने के लिए आपको जरूरत क्या चाहिए, एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्लेन पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक्चुअली कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूँगा, ठीक है, इतना बड़ा सर्कल। फीचर्स कमांड में आइए, कर्व में आइए और हेलिक्स लीजिए, अब हेलिक्स ये आएगा, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा हो गया तो इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। अप टू द सरफेस का ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं है कोई बात नहीं, इसे हम थोड़ा देख लेंगे इधर उधर से, ओके नाउ ठीक है, अब इसे करना है ओके, ये हो गया। अब करना क्या है आपको, नॉर्मली आपको ये जो फेस है इस फेस पे आना है, स्केच करना है और एक लाइन ड्रॉ कर देना है, कहाँ से कहाँ तक का, ये जहाँ से ओपन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एग्जिट कमांड ये हुआ, अब आपको जाना है सरफेस कमांड, स्वेप्ट में ये तो सेलेक्टेड है, अब कर्व सेलेक्ट करना है दिस कर्व, ओके। देखो अगर इस लाइन को हम हाइड कर दें, देखिए कुछ बन गया ऐसा। अब देखो हमने, क्योंकि हमने ये सेंटर से लाइन लिया था, जो आप देखेंगे ये लाइन सेंटर से लिया था तो इसके अंदर भी बना ही है, ये ध्यान दें अंदर भी बन गया है। अगर आप इसे कट व्यू में देखें तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, कट व्यू में ये देखिए अभी ऐसा है, ये देखिए अंदर से भी ब्लेड्स आ जाएंगे उसके, दिख रहा है। अगर आप थोड़ा बाहर से बनाते तो ये अंदर नहीं आता, तो ऐसे हमारे ये हेलिक्स कमांड कुछ काम करता है, ठीक है ओके। ये कहाँ जरूरत पड़ता है ये कमांड, ये कमांड की जरूरत एक जगह और पड़ती है, जैसे कि आप अगर सिविल इंजीनियर हैं या फिर ऐसा कुछ आपको बनाना हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो कहाँ पे जरूरत पड़ता है, मैं बना कर अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। कन्वर्ट एंटिटी कर लेती हैं वाले को, हुआ सेलेक्ट, अब नॉट फेस, मुझे लाइन कन्वर्ट एंटिटी चाहिए, डिलीट दिस लाइन, वो ऑलरेडी है। अब आइए फीचर्स में, आई वांट हेलिक्स, ओके नो 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 नो, वन मिस्टेक, एक्चुअली मुझे चाहिए कुछ इस तरह ना, ये सर्कल नहीं चाहिए, इसे करना है, जो सर्कल यहाँ पे बना है इसे कर दीजिए डिलीट, ठीक है। आप नया सर्कल ड्रॉ कीजिए थोड़ी दूरी पे, ऐसा कुछ, ठीक है। अब आइए फीचर्स, प्लेन हेलिक्स, इसे पकड़ के कर दीजिए आप ऊपर तक यहाँ तक, और इसमें आप पिच चाहते हैं तो पिच भी डाल सकते हैं, बट इतना काफ़ी है, ठीक है। अब करना है आपको फिर से इसी फेस पे आइए, स्केच
लाइन लीजिए, हम सेंटर से नहीं चाहते हैं, ठीक है, या फिर सेंटर से भी ले लेंगे तो स्ट्रांग बनेगा आपका जो बनेगा बीम, तो यहाँ से कहीं सेंटर से ले लें। हाँ आप सेंटर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जिट कमांड, सरफेस में जाइए, स्वेप्ट में जाइए, ये सेलेक्ट है, हमें कर्व का सेलेक्ट करना है, दिस कर्व, ओके, ये देखो ये आपको कुछ स्टेयर टाइप का दिख रहा है। और यहाँ पे हम अगर हेलिक्स को थोड़ा सा एडिट कर लें, थोड़ा हेलिक्स का पिच बढ़ा दें, अगर इसको कम करते हैं, थोड़ा पिच बढ़ाते हैं, अब देखें हो गया। यहाँ से गाड़ी चढ़ाइए, घूमते 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 घूमते, या फिर स्टेयर से घूमते 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 आप ऊपर तक पहुँच जाएंगे, ऐसा आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा देखना चाह रहे हो तो मैं करूँगा क्या, जो मैंने एडिट किया था स्केच, कौन सा है ये स्केच, ये नहीं, हेलिक्स के लिए जो सर्कल लिया था उस सर्कल को थोड़ा सा एडिट करते हैं, ठीक है। उस सर्कल को एडिट ये करेंगे कि जिसका डायमेंशन है उसे बढ़ा देते हैं 200, ठीक है। ठीक है 200 उसे बढ़ाया है तो आपको इसे भी एडिट करना होगा, काफी बड़ा बन गया ये पूरा सर्कल, ये हो गया कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ओके यही सही है, इतना ही देखो आप कंट्रोल जेड, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही सब काम करता है हमारा कमांड फीचर्स के, तो यहीं पे हमारा फीचर्स कमांड खत्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।